प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर है। 18 साल से फरार 1 लाख के इनामी का सरेंडर। अतीक के गुर्गे अब्दुल कवि ने कोर्ट में सरेंडर किया है। लखनऊ की सीबीआई अदालत में कोर्ट ने सरेंडर किया है। अतीक अहमद और अशरफ का बेहद करीबी और राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अब्दुल कवि। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अब्दुल कवि पर शुरू हुआ था कार्रवाई का दौर और अब्दुल कवि के भाई अब्दुल कादिर को कौशाम्बी पुलिस ने जेल भेजा था। घर पर हुई छापेमारी में असलाह भी बरामद हुए थे। अब्दुल कवि 18 साल से फरार चल रहा है। और विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, और क्या अपडेट फिलहाल इस पर? जी देखिए, अब्दुल कवि कौशाम्बी का रहने वाला था और उसको पुलिस ढूंढ रही थी। हालांकि बीच में लंबे समय तक पुलिस उसकी तरफ से नजरें फेरी रही, एक तरह से कहा जाए तो पुलिस उसको भूल गई थी। लेकिन जब उमेश पाल की हत्या हुई तब राजूपाल हत्याकांड एक बार फिर से पुलिस को याद आया, उसमें जो शूटर थे वो याद आए और तब तलाश हुई अब्दुल कवि की, जो लगभग 18 साल से फरार चल रहा था। 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी, उसमें माना जा रहा है कि अतीक का बेहद करीबी उस समय जो शूटर था वो अब्दुल कवि था, जिसने राजूपाल की हत्या में सबसे जो सक्रिय भूमिका निभाई थी वो राजूपाल की हत्याकांड में अब्दुल कवि की भूमिका थी, उसकी तलाश पुलिस कर रही थी। लेकिन इस दौरान वो गायब हुआ और ऐसा गायब हुआ कि वो पुलिस को ढूंढे नहीं मिला। लगातार पुलिस कोशिश करती रही लेकिन इस दौरान ये पता चला, जो पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि उसने अपना गैंग बनाया और गैंग बनाने के बाद खुद ही अपना एक अपराध का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया। 40-50 उसने गुर्गे तैयार कर लिए थे, उनके साथ उसने जमीनों पर कब्जे और गांव में रहकर छिपे हुए तमाम उसके जो ठिकाने हैं वहां रहकर उसने अपना गैंग चलाना शुरू किया और करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। अभी जब हाल में उमेश पाल की हत्या हुई तब अतीक के सारे ग्रुपों पर पुलिस का दबाव बढ़ा, छानबीन शुरू हुई और इसी क्रम में अब्दुल कवि की तलाश भी शुरू हुई। कौशाम्बी में पुलिस उसके घर गई थी और ठीक एक हफ्ते पहले पुलिस उसके घर गई थी, वहां पर कई बार छानबीन की, दबिश दी, हालांकि वो नहीं मिला। लेकिन उसके पहले पुलिस ने उसके भाई को गिरफ्तार किया था। तो अब्दुल कवि इस समय लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूलने, लूट करने, खनन जैसे कामों में लिप्त था और उसके ऊपर प्रयागराज कौशाम्बी में कई मुकदमे दर्ज है। हालांकि अतीक का खास गुर्गा होने के नाते कई मुकदमों में उसने अपने प्रभाव से कई में फाइनल रिपोर्ट भी लगवा दी थी। लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया गया, क्योंकि लगातार 2 दिन से मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, पहले उन्होंने जेल विभाग के अधिकारियों की बैठक की थी परसों और कल शाम को मुख्यमंत्री ने एसटीएफ, एटीएस और इंटेलिजेंस के तमाम अधिकारियों की बैठक की थी और सबसे बड़ा मुद्दा यही गूंजा था कि अतीक के मामले में आखिर शूटर क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जो दबाव बनाया है तो अब्दुल कवि ने आज सरेंडर किया है अब्दुल कवि ने। ये खबर बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।